लखीमपुर खीरी के बस्तौली गांव में आग से उठी चिंगारी की चपेट में आकर लगभग 100 घर जलकर राख हो गए। साथ ही आग की चपेट में आकर करीब 12 ग्रामीण, 12 लोग और मवेशियों समेत एक बच्चा भी पूरी तरह से आग में झुलस गया। दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर नहीं पहुंची। इस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना था कि जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक आग ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया, अपनी चपेट में ले लिया। इस आग की वजह से काफी नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस भी मौके पर पहुंची। काफी नुकसान जब हो चुका था उसके बाद जो लोग इस आग में झुलसे थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। लखीमपुर खीरी के बस्तौली गांव का ये मामला है। आग का तांडव ये था कि आग ने लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। ट्रैक्टर तक इसकी चपेट में आ गए। 12 लोग चपेट में आए हैं, मवेशियां चपेट में आई हैं, एक बच्चा चपेट में आया है। करीब 100 घर चलकर राख हो गए। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का यह कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वक्त पर नहीं पहुंची। जिस वक्त में उनको पहुंच जाना चाहिए था वो नहीं पहुंची, और जब वो पहुंची तब तक आग अपना काम कर चुकी थी, कई घरों को जला चुकी थी। पानी ना डालो, वो तो जल चुका है, कोई जलने से फायदा ना है। गांव के पश्चिम से एक झाला पड़ा है, वहीं से ये आग लगी और देखते ही देखते ये सब पूरे गांव में आग फैल गई। दमकल की गाड़ियों को फोन किया गया, गांव के बहुत लोगों ने फोन किया, लेकिन एक घंटा तक कोई गाड़ी नहीं आई। फोन करने के बाद 100 नंबर की गाड़ी आई। कुछ लोग जले हुए आदमी को उन पर लादा गया है, उनको पता नहीं अस्पताल में ले गया है नहीं ले गया है, ये पता नहीं है। लगभग लमसम हमारे समझ से 250-300 केटे पेटे जल गए हैं।